Hello dear students, today we will read the poem. The title of the poem is Where Do All the Teachers Go? This is poem from your Honeysuckle book, okay? English literature book. And the writer of the poem is Peter Dickson, okay? First of all, we will read the introduction which is written here. For a little child, a teacher is special. Okay. Is it difficult for a small child to think of his or her teacher as an ordinary person? Means in this poem, the poet is saying that for every student, the teacher is a special person. Okay. जो teacher होता है बच्चों के लिए वो एक special person होता है. Every student has this eagerness to know that his teacher is also an ordinary person. क्या उसके टीचर भी एक ऑर्डिनरी पर्सन है? क्या उनकी लाइफ भी एक ऑर्डिनरी पर्सन के जैसी है? मीन्स जैसी हमारी लाइफ होती है वैसी उनकी लाइफ है. सो इन दिस पोयम व्हेन द पोएट वाज चाइल्ड, ओके, जब वो एक छोटे बच्चे थे, सो ही हैड अ क्यूरी टू नो अबाउट हिज टीचर. उनको उनकी टीचर के बारे में क्या थी, जानने की क्या थी, क्यूरी थी, है ना? मतलब वो ये जानना चाहते थे कि उनके टीचर कैसे थे. So, in this poem, we will read that how the poet thought about his teacher. जो poet है वो इस poem के through अपनी क्या things बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या वो सोचते हैं, उसके बारे में ही poem में उन्होंने deal किया है. So, now I am reading the paragraph wise this poem. So, listen it properly. Where do all the teachers go when it's 4 o'clock? Do they live in houses and do they wash their socks? So in this paragraph, the poet is saying that the poet has the inquiry that all the students leave the school at 4 o'clock. Do you know? आपका departure time जो होता है वो 4 o'clock का होता है. So the poet wants to know that do his teacher also go there? Go to home and what they do there? उनके घर, मतलब वो जो poet है वो ये जानना चाह रहे हैं कि 4 o'clock के बाद, जैसे I used to go home and I do all the things, okay? I wash my socks and all the things. Does the teacher also do this? क्या teacher ये सब चीज़ें करते हैं? Okay? तो वो ये बताना चाह रहे हैं इस poem में कि जैसे when I depart the school at 4 o'clock and I go to home and I wash my socks, do all the things teachers do there? क्या जो टीचर हैं वो भी जो है 4 o'clock के बाद कहाँ जाते हैं? क्या वो भी घर जाते हैं और वो भी वो सब चीज़ें करते हैं जो हम सब करते हैं? You all know that जब हम घर जाते हैं, सारे स्टूडेंट डिपार्ट होते हैं और घर जाते हैं तो वो अपनी यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, है ना? ऑल द थिंग्स दे कीप इन प्रॉपर ऑर्डर, सारी चीज़ें वो अपनी प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं. तो वो यही चीज़ें जो हैं पोएट जानना चाह रहे हैं कि क्या जो टीचर हैं वो भी ये सब चीज़ें करते हैं. Now in the next paragraph, what poet is saying? Let's see. Do they wear pajamas? And do they watch TV? And do they pick their nose the same as you and me? मतलब जैसे when you go to home, you change your uniform and then you wear your daily routine clothes. Like lower and t-shirt and all the things. Okay. And then after what do you do? आप क्या करते हैं घर जाकर? You watch TV. We used to watch TV. And some persons has this bad habit that when they see the TV, they always pick their nose. Okay. जो अपनी nose में क्या करते हैं? बच्चे जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? अपने nose में finger डालते हैं, है ना? एंड जैसे कि सारे बच्चे करते हैं, उन्होंने यही बोला है द सेम एज यू एंड मी. जैसे सारे बच्चे जो हैं क्या करते हैं कि घर जाते हैं, है ना, और फिर वो उसके बाद में अपनी ड्रेसअप चेंज करते हैं, फिर उसके बाद में टीवी देखते हैं, फिर उसके बाद में अपनी नोज़ को भी पोक करते हैं, है ना?
पिक करते हैं और फिर उनको जो एल्डर्स होते हैं, जो मम्मी पापा होते हैं, वो उनको स्टिच के लिए क्या करते हैं, डांटते भी हैं कि आपको आपकी नोज़ को फिंगर नोज़ जबकि फिंगर है वो नोज़ में नहीं डालनी है ना। तो जो ये सारी चीज़ें हम करते हैं, क्या डू ऑल टीचर्स डू दिस थिंग्स, क्या ये सब चीज़ें टीचर भी करते हैं। एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ इज, डू दे लिव विद देयर विथ अदर पीपल, हैव दे मम्स एंड डैड्स, एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, एंड वर दे एवर बैट। मतलब वो बोल रहे हैं कि क्या द टीचर लिव्स विद अदर पीपल और ऑल्सो दे हैव द मम्स एंड डैड लाइक मी। जो पोएट है वो ये बोल रहे हैं कि क्या उनके भी मेरे जैसे मम्मी पापा हैं, क्या वो भी अदर पीपल के जैसे रहते हैं, और डू दे लिव अलोन, क्या या फिर वो अकेले रहते हैं, है ना। एंड वर दे एवर बैड, क्या जो वो भी हमारे जैसे बच्चे थे और क्या वो भी हमारे जैसी नॉटी थिंग्स करते थे। मतलब जो हम बच्चे जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चे मम्मा की बात नहीं सुनते हैं ना, उनको जिस काम के लिए रोका जाए वो काम ज़्यादा करते हैं। तो ये सब चीज़ें उनको इगरने से जानने की कि क्या जो ये चीज़ें मैं करता हूँ क्या वो सब चीज़ें मेरे टीचर भी करते हैं। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, Did they ever make mistakes? Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? Means here the in this paragraph the poet is explaining that did they ever never spell right? क्या वो भी मेरे जैसे बच्चे used to the children when used to make mistakes इन राइटिंग। ओके, जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, ऑलवेज लिखने में क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, है ना, और उनसे भी गलतियां होती है ना। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच्ड चॉकलेट फ्लैक्स, अगर मम्मा से बिना पूछे बिना परमिशन के अगर वो चॉकलेट ले लेते हैं तो मम्मा उनको पनिश भी करती है। तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या बच्चे जो बच्चे हैं वो ये सब चीज़ें करते हैं। तो जो पोएट है ही सेइंग दैट क्या ये सब चीज़ें जो मेरे टीचर हैं और डू दिस थिंग्स क्या वो ये सब चीज़ें करते हैं। डिड दे एवर लूज देयर हिम्स बुक, डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, डिड दे स्क्रीबल ऑन द डेस्कटॉप्स, डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स। मतलब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि वो अपनी बुक्स जो हैं दे ऑलवेज यूज टू लीव देयर बुक्स इन द क्लास ओनली। वो सारे बच्चे जो बच्चे होते हैं उनकी ये हैबिट होती है कि वो अपनी बुक्स जो है वो कहाँ छोड़ कर जाते हैं, क्लास में ही छोड़ के जाते हैं। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, और जैसे बच्चे होते हैं दे डू नॉट लाइक टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, उनको ग्रीन वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं होती है। डिड दे स्क्रीबल ऑन द डेस्क टॉप्स, मतलब जो डेस्क होती है उसके टॉप पर वो क्या करते हैं, स्क्रीबल करते हैं, मतलब डेस्क पर लिखते हैं, पेंसिल से स्क्रीब करते हैं, है ना। एंड डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, और वो भी क्या होते हैं डर्टी जीन्स जो उनकी गंदी जीन्स होती है उसी को पहनने की क्या करते हैं, जिद करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं जो बच्चा करता है, द पोएट इज ईगर टू नो दैट ऑल द थिंग्स आर हैपन विथ माई टीचर ऑल्सो, जो ये सब चीज़ें हैं जो मेरे साथ होती है क्या वो सब चीज़ें मेरे टीचर के साथ भी होती है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या बोल रहे हैं, I will follow one back home today, I will find out what they do, then I will put it in a poem that they can read to you। मतलब वो बोल रहे हैं कि मैं क्या करूँगा, I will follow one back home today, मतलब मैं आज मेरे टीचर को क्या करूँगा, फॉलो करूँगा, एंड आई विल फाइंड आउट दैट वॉट दे डू एट देयर होम, वो उनके घर पर क्या करते हैं, मैं उनको फॉलो करूँगा, मैं उनका पीछा करूँगा और मैं देखूँगा कि वो उनके घर पर क्या करते हैं, एंड देन आई विल पुट इट इन अ पोएम, और फिर मैं उन सब चीज़ों को जो वो घर पर करते हैं, जो उनकी रूटीन है, उसको इस पोएम में लिखूँगा, और फिर टीचर जो हैं दैट दे कैन रीड टू यू, और जब टीचर्स फिर हैं ये पोएम में जो लिखा हुआ होगा उनके बारे में वो सब चीज़ें आपको पढ़ कर सुनाएंगे। ओके, तो इन दिस पोएम द पोएट इज ईगर टू नो एवरी चिल्ड्रन, ना कि पोएट
सभी बच्चों को ये इगरनेस होती है जानने की कि हमारे टीचर टीचर जो हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो उनकी लाइफ में क्या करते हैं, ये सभी बच्चों को इगरनेस होती है। तो ये सेम थिंग जो है पोएट के साथ भी थी, और पोएट जो है वो एक बच्चा बनकर आपकी फीलिंग जो है, स्टूडेंट की फीलिंग जो है वो आपको बता रहे हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ वी हैव टू रीड दिस पोएम फ्रॉम योर बुक अगेन एंड देन यू हैव टू रिवाइज इट। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।